बहनों, हमें आज दोहराना है इस हफ्ते के सारे अक्षर और मात्राएं। श श द ट व ह छोटी ई की मात्रा ज ध। एक बार फिर देखें, ध ज छोटी ई की मात्रा ह व ट द और श। लगता है दर्शन, इस फेरे में कोई माल नहीं मिला तुझे। तू की सोचा पंडित? अरे भाई, तू परसों ही तो गया था और आज वापस भी आ गया। ओए पड़ता, पास गया सी, ऐसे ही फेरा जल्दी हो गया। कहाँ? पीतल नगरी। पीतल नगरी? ओए पड़ता, मुरादाबाद गया सी। ओहो, मुरादाबाद। आओ भाई, उस शहर के क्या कहने, जिगर जैसा शायर पैदा किया है उसने। ओए पड़ता, शायरी वायरी मैनू नहीं आंदी। जगह तो वो कोई खास नहीं सी देखने वाली, घर पंडता वहाँ के कारीगर जान डाल देते हैं पीतल में। कर कर में काम होता है, बच्चे क्या बूढ़े क्या सब काम करते हैं जी। मुरादाबाद में बने हुए मुरादाबादी बर्तन अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। ये खूबसूरत बर्तन भट्टियों से शुरू होते हैं। पहले धातु को पिघलाकर सांचों में ढलाई की जाती है, बिजली से प्लेटिंग की जाती है, बर्तनों को मशीनों से घिसकर चमकाया जाता है। लाखिया रंग को गर्म करके पक्के रंग नक्काशी किए हुए फूलों में भर दिए जाते हैं। ये सारी मेहनत ढलकर मुरादाबादी बर्तनों की सुंदरता में समा जाती है। वहां के कारीगर अपने छोटे छोटे कारखानों में ऐसी कलाकृतियों को जन्म देते हैं कि देखते ही बनता है। अरे भाई, अपने लिए भी तूने कुछ खरीदा या नहीं है भाई? क्यों नहीं जी, ऐ ले तेरे लई। अरे वाह। ओए छोटू, ओ ऐ ले फूलदान। मेरे यार लई, रोज ऐसे भी चंगे चंगे फूल लगा दिया कर। अच्छा, और सुन, खेती करके खाने लगा। अरे छोटू, जरा जल्दी कर, चले। इस टमाटर को अगर छुरी से यूं आधा काट दी और इसके पेट में से ये गूदा निकाल दी तो ये बन जाता है अक्षर ट। और फिर अक्षर ट से ही तो शुरू होता है टमाटर। बस अब तो तुम जब भी टमाटर देखोगी तुम्हें अक्षर ट याद आ जाएगा। क्यों, ये वीणा तो याद है ना? अगर हम इसके दोनों थुम्बे मिलाकर एक कर दें तो ये बिल्कुल अक्षर व बन जाता है। व वीणा, वीणा के थुम्बे मिलाए तो बन गया अक्षर व। चलो अब इसे लिखना सीखते हैं। ये है बड़ी ई की मात्रा, इसे उलट दिया तो बन गई छोटी ई की मात्रा, छोटी चीख, बड़ी ई, बड़ी चीख, छोटी ई, छोटी चीख। बड़ी ई की मात्रा में उल्टा चांद पहले और डंडा बाद में, छोटी ई की मात्रा में डंडा पहले और उल्टा चांद बाद में, इसे लिखना बहुत आसान है।
बहन जी, सुधा जब गांव से चली जाएगी तो स्कूल कितना सूना हो जाएगा ना। हाँ कमला, स्कूल ही क्या, पूरा गांव ही सूना हो जाएगा। बहन जी, जो खत आया था उसका क्या हुआ? जवाब दे दिया। क्या लिखा आपने? भाई मैंने तो उनको लिख दिया है कि हम दहेज लेने और देने दोनों के खिलाफ हैं। हम इसे नारी जाति का अपमान समझते हैं। हाँ, जहाँ तक बारात की सेवा का ताल्लुक है वो हम पूरी निष्ठा और प्यार से करेंगे, और जितनी अपनी हैसियत है उतना लड़की को देंगे भी। मैंने तो यही लिख दिया है सुधा के पिता की ओर से। तो क्या वो मान जाएंगे बहन जी? उम्मीद तो कम है। बेचारी सुधा, जाने क्या होगा उसका। बेचारी सुधा क्यों? अरे भाई वो समझदार है, पढ़ी लिखी है, सुशील है, सुंदर है, क्या कमी है उसको। वो चले जाएंगे तो 10 और आएंगे। ना बहन जी, यही आप गलत कह रही हो। बहन जी, एक बार रिश्ता हो जाए ना और फिर टूट जाए तो लड़की के समाज में बड़ी बदनामी होती है। क्यों होती है लड़की की बदनामी? पूरा गांव जानता है कि उसके ससुराल वाले कितने लालची हैं। बदनामी तो उनकी होती है कि नहीं? वो तो ठीक है बहन जी, पर इस समाज को बदलते बदलते भी तो टाइम लगेगा ना। हाँ हाँ, क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़कियां जो है ना वो इंतजार में बैठी रहती हैं कि बाहर से कोई आएगा फिर समाज को बदलेगा। ऐसी सूरत में तो बदल चुका समाज। क्यों, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अपना हक मांगो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, अपने आप पर भरोसा करना सीखो। हाँ बहन जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको वो सब करके दिखाऊंगी बहन जी। देखो इन दो हाथों को इस तरह रखने से क्या बन जाता है, अक्षर ह है ना, बिल्कुल अक्षर ह जैसे। अब देखो इन्हें लिखते कैसे हैं। अब तो नहीं घबराई ना शेर देख के? हाँ, पेड़ के नीचे बैठा ये शेर अक्षर श की याद दिलाता है ना, बिल्कुल अक्षर श जैसा। इसे यूं लिखते हैं। ये है द, याद है द किससे बना था? दिए से। अब इस दिए को यूं घुमा दिया तो बन गया द। अब देखिए इसे लिखते कैसे हैं। ये है ज, भाई ज याद रखना तो बहुत आसान है। जरा गौर से देखो जहाज का अगला हिस्सा, लगता है ना बिल्कुल अक्षर ज जैसा, और इसे लिखना भी मुश्किल नहीं है। ये धनुष और तीर याद है ना, इन्हें तुम कई बार देख चुकी हो। धनुष की एक ओर की डोरी हटाई और उसे यूं मोड़ा, बन गया था। अब इसे लिखना सीखें। आओ आओ मौसी, बैठो। अरे मैं तो दुकान पे थी, वहीं सुना सब है। अरे सब क्या हो रहा सुधा? जो मेरा नसीब। हाँ बेटी, नसीब से कौन लड़ सके है? अरे तू तो फिर भी सियानी है, अपनी भला बुरा सोच सके। मैं तो बस सिर्फ तब मैं सिर्फ 7 साल की थी। 7 साल? हाँ बेटी, पहले ऐसे ही ब्याह हुआ करते थे। तब तो बड़ा अन्याय होता होगा। हाँ अन्याय तो है, अन्याय ना होता तो कानून क्यों बनता इसके लिए कि 18 से कम में लड़की की शादी ना करनी चाहिए।
तेरा गाना हुआ था नासी? अरे कहाँ बेटी, ब्याह के 2 बरस के बाद की बात है। मैं अपने गुड्डे का ब्याह रचा रही थी, एक औरत आई और उसने मेरी कुछ किया न धरा, घर बैठे बैठे कम नसीब हो गई मैं। तब तेरी उम्र क्या थी मौसी? ऐसे बस 9 के फेर में थी, 2-4 दिन कम या ज्यादा। मौसा को क्या हुआ था? माता निकली थी बस, 2-4 दिन में लोट पोट के खत्म हो लिया उसी में, खुद तो जान से चला गया और मुझे कम नसीब बना गया। तुझे पता है मौसी, अब चेचक माता बाता की बीमारी भी जड़ से खत्म हो गई है। अरे हट परे, माता का प्रकोप है, ये कैसे खत्म हो सके? टीके से मौसी, टीके से। काश दहेज और कम उम्र के ब्याह का भी कोई टीका होता तो ये बीमारी भी जड़ से खत्म हो जाती। अरे है तो टीका, दोनों का कानून तो है, मगर दोनों निर्लज है, देने वाले भी और लेने वाले भी। मेरे पिताजी से अगर किसी ने दहेज मांगा ना तो मैं भी दिखा दूंगी। ए? क्या कर लेगी तू? वो दिन आने दे मौसी, मैं भी चंडी बनकर दिखा दूंगी। ना दहेज लेना, ना दहेज देना। TEVETV देखा, ल पे छोटी ई की मात्रा, ख न आ लिखना, स बड़ी ई की मात्रा, ख आ सीखा, लिखना सीखा। द आ का डंडा, न दान, द आ का डंडा, ल दाल, श आ का डंडा, म शाम, श आ का डंडा, न शान, ट बड़ी ई की मात्रा, व बड़ी ई की मात्रा, टीवी, ट बड़ी ई की मात्रा, क आ का डंडा, टीका, व न वन, न ट नट, प ल हल, ह म हम, छोटी ई की मात्रा, स आ का डंडा, न किसान, ह छोटी ई की मात्रा, स आ का डंडा, ब हिसाब, ज ल जल, ज आ का डंडा, ल जाल, ध न धन, ध धान। बहनों हमारे आज के अक्षर हैं ड और घ। हरे भरे पेड़ों की डालियां लटकती हुई कितनी अच्छी लगती हैं। भाई डाली पर बच्चे झूला भी डालते हैं, पक्षी भी आकर डाल पर ही बसेरा करते हैं। पर हम आपको दिखाते हैं कि अगर कोई इसी डाली को मोड़ दे तो वो बिल्कुल अक्षर ड से मिलती जुलती दिखाई देती है। ये देखो, ये हरे पत्तों से झुकी डाली लग रही है ना अक्षर ड की तरह। सबको मेरी नमस्ते, सबको मेरी राम राम। ओहो, ऐसे क्या देख रही हो आंखें झपक झपक कर? देखो, देखना छोड़ो और मुझे बताओ कि अब तक तुमने जितना कुछ देखा सीखा है वो अब तुमको आसान लगता है ना? है ना? देखो, जितनी बार तुम अक्षरों और मात्राओं को लिखोगी उतना ही ज्यादा तुमको वो आसान लगेंगे। हाँ चलो, अब बातें नहीं, अब हम लिखना सीखते हैं अक्षर ड। सबसे पहले ये छोटा डंडा, फिर ये एक टेढ़ी मेढ़ी सांप जैसी लकीर,
वही छत वाली लकीर। एक बार फिर होगी कि ये अक्षर देखने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा था पर लिखने में इतना आसान है ना। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सोचने और करने में बड़ा फर्क होता है। तो मैं चली, नमस्ते। ये जो बोतल तुम देख रही हो ना, इसी को बंद करने के लिए दांत लगाते हैं। द आ द डाट। ये बेटा थोड़ा सा मुंह मलो, थोड़ा सा। शाबाश, आकर ऊपर ऊपर। हाँ हाँ, अब थूक। शाबाश। और बोल बेटा। माँ 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 माँ। हाँ कोशिश करो। शाबाश। माँ माँ माँ। शाबाश शाबाश। माँ कमला, ओ कमला देख गौरी बोलने लगी। फिर से बोल, फिर से बोल, फिर से बोल। माँ जोर से बोल। माँ अरे माँ देखा। पहले आप अक्षर ल तो देख ही चुकी हैं, तो अब हम इसी ल की छत वाली लकीर को नीचे ले आएं और फिर इसको इस तरह घुमा दें तो ये बन जाता है अक्षर घ। घुमा हुआ ल यानी घ, याद रहेगा ना। लो भाई, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना। अच्छा अब लिखते हैं अक्षर ख। पहले आधा गोला और फिर इस आधे गोले के साथ एक और आधा गोला, उसके बाद हर नीचे वाले आधे गोले से मिलाकर फिर वही खड़ा डंडा और फिर वही छत वाली लकीर। एक बार फिर देखें। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं आदर्श, घर यह बोलने लगी है। ये तो सब तुम्हारी मेहनत का फल था, ये कमाल तुम्हारा ही था गीता। लो डॉक्टर तुम, दवा तुम्हारी, मैं बीच में कहां से आ गई। गौरी का असली इलाज तो वो थेरेपी थी जिसमें दिन रात तुम लगी रही, दवाएं तो बस यूं ही। अच्छा एक बात बताओ, गौरी को और दवा की जरूरत है। नहीं, नहीं। गौरी को अब किसी भी तरह की कोई दवा देने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ उसे बोलने का अभ्यास कराते रहना। अब तो वो बोलती है। अरे भाई उसे प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना, अगर गौरी कोई गलती से कोई शब्द गलत बोल जाए तो उसे टोकना मत और ना ही उसे दोहराने के लिए कहना। लेकिन फिर वो सीखेगी कैसे। अपने आप सीख जाएगी। हाँ तुम इतना जरूर कर सकती हो कि उस शब्द को गौरी के सामने बार बार बोलो, लेकिन उसे चताकर नहीं बल्कि इस तरह से जैसे कि वो शब्द तुम खुद बोल रही हो। अच्छा मैं समझ गई तुम्हारी बात। गीता मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। बाहर? देश से बाहर? हाँ गीता मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ 6 महीने के लिए, क्या तुम मेरा इंतजार करोगी। ऐसा वचन लेने की क्या जरूरत है आदर्श, जिसे हम दोनों ही न निभा सके। तुम इतनी निराशावादी क्यों होती जा रही हो। देखो आदर्श,
हालात ने हमें ऐसी दो सड़कों पर लाकर छोड़ दिया है जहां से हर पल हम अलग होते जा रहे हैं। अगर यही सच्चाई होती तो गीता हम अचानक इस तरह ना मिल गए होते। तुम मेरा इंतजार कर रही गीता। अरे तुम लोग फिर डर गई भाई, ये सचमुच का बाघ नहीं है, ये तो अक्षर घर सिखाने के लिए तुम्हारे सामने आया है। देखो ब आ घ बाघ, ये है घास जो तुम रोज अपने पशुओं को खिलाती हो। ये देखने में भी तो सुंदर लगती है ना, तो इसे देखो घ आ स घास, घ स ई ट आ घसीटा। ये घसीटा है ना कमला का पति, इसे तो पहचानती हो ना। सलाम मौसी। सलाम भैया। सुबह से तेरी राह देख रही थी, कहाँ चला गया था रे? वही चिट्ठी बांटने। सुबह मेरी दुकान पे से होके जाता तो मेरी चिट्ठी कोसो दूर ना पहुंच गई होती। मौसी चिट्ठी कोई खुद से तो जाती नहीं है, कोई ले जाता है उसे। अरे तो वही तो मैं कह रही, अगर तू ले जाता और तुझसे कोई और ले जाता तो मेरी चिट्ठी जल्दी ना पहुंच जाती। हर बात की तरह चिट्ठी निकलने का भी वक्त होता है, हर समय नहीं निकलती। एक बात मेरी समझ में नहीं आती रहीम भैया, ये चिट्ठी शहर से गांव कैसे पहुंच जाती है और गांव से शहर कैसे? चिट्ठी को पता हुए है कि इसे कहां जाना है? देख मौसी, तूने चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी को पेटी में डाल दिया और पेटी में पड़ी हुई सारी चिट्ठियां डाकखाने का एक आदमी निकालता है और उनको एक बड़े से थैले में डालकर डाकखाने तक ले जाता है। डाकखाने में उन चिट्ठियों पर लगे हुए टिकटों की जांच पड़ताल करके उन पर मोहर लगा दी जाती है। और फिर अलग अलग जगह की अलग अलग तरफ की चिट्ठियों को अलग अलग ढेरों में बांधकर अलग अलग थैलों में डाल देते हैं और वो सब थैले जहां जाने वाली चिट्ठियां उसमें होती हैं उधर की रेलगाड़ियों में रख देते हैं। वहां से मेरे जैसा कोई डाकिया लेकर उन्हें उनके पतों पर पहुंचा देता है। बस एक बात बताइए, अगर मैं परेम को चिट्ठी में लड्डू भेजना चाहूं तो भेज सकूं? चिट्ठी में तो नहीं मगर पार्सल में भेज सकती है। तो तू वो पार्सल में भिजवा देगा लड्डू? हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर आज नहीं, पहले तू मुझे लड्डू खिला फिर प्रेम को भेजना। ठीक है खिला दूंगी तुझे भी, पर जरा दो दिन ठहर जाइयो। ठीक है अच्छा चलता हूँ मौसी। सलाम। हाँ, सलाम। द आ क डाक। द आ क डाक खाना, डाक खाना। मिलजुल कर
दा आ का डंडा का डाक दा आ का डंडा ला दाल दा आ का डंडा टा डाट घा आ का डंडा सा घास घा आ का डंडा टा घाट बा आ का डंडा घा बाघ